पुणे वाले जो ब्राइड आई थी उसने कितने दिए? उन्होंने 1000 रुपीज एक्स्ट्रा दिए थे। नहीं, मैंने उसको ज़्यादा ही बोला था, बिकॉज फाउंडेशन लाया था उसने खुद का, बट उसके एक्सपायर डेट ख़त्म हो गए थे तो मैंने अपना यूज़ किया। पैसे तो ज़्यादा लगेंगे ही ना। हाँ वो तो है। लास्ट वीक जो ओल्ड लेडी आई थी लेला नाम की, उनके साथ उनकी बेटी थी, दोनों का ब्लीच हुआ था एंड उनकी जो ओल्ड लेडी थी उनकी वैक्सिंग की थी तो दोनों के हुए 3000। मैम मैम मैम, उन्होंने पैसे नहीं दिया। व्हाट? यस मैम, वो वैसे ही चले गए। तुमने कुछ नहीं बोला, ऐसे ही जाने दिया? मैंने उनको बहुत रोका मैम, बट वो बोली कि आपने एब्रो उड़ा दिया तो वो पैसे नहीं देंगी। ओह ओह, ये हमेशा ऐसे करती है। लास्ट टाइम आई वैसे ही किया, हर बार उनके घर पैसे मांगने जाओ। नंबर दो उनका। ओके मैम। अरे संसार संसार जसा तवा सुल्या वर, आधी हाता लाच चौके तेभा मेरा तेभा करो। हाय मेरी कमरिया, बहुत दुख रही है, पता नहीं आज क्या हो गया, सुबह से चमके मर रही, नजर लग गई मेरी कमर को, पतली क्यों मर रही है कॉफी। हाँ वाह, अर्ली अर्ली मॉर्निंग हॉट हॉट कॉफी। मम्मी क्या हुआ? 10 रुपए दो। रोज के 10-10 रुपए चाहिए है ना, मेरे पास के बैंक है। मुझे नहीं चाहिए, वो प्राची जी के लिए। प्राची? वही प्राची क्या उस दिन आई थी मुझे गुलाब का फूल दिया? हाँ वही। अच्छा अच्छा, वो पेन देने आई थी वो, उनको जरूरत है इसलिए। उनको क्या बात है, बड़ी रिस्पेक्ट से बात करते हैं उससे। हाँ वो हम एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बेटा जरा घर में भी रिस्पेक्ट से बात किया कर, मार कम खाएगा। जो ना फ्रिज के ऊपर डिब्बा है। मैं सुन तो पूरी बात। कहाँ पे? फिर उसमें नहीं है, उसके साइड वाले में भी नहीं है, उसके साइड वाले में भी नहीं है, एकदम छोटा सा डिब्बा है ना, उसमें 2 रुपए का ठोकला है और 10 रुपए का ठोकला है। चेक ले, दोनों मत ले, एक ही ले। ठीक है थैंक यू। दो इधर। कॉफी जरा फीकी बनी है। सच में ये क्या बात है? नहीं कल मैंने कॉफी की तो आप बोल रही हो ज्यादा स्ट्रांग बन गई, आज मैंने कॉफी की तो बोल रही हो फीकी बन गई, क्या करूं मैं? कुछ मत कर, बस कॉफी अच्छे से बनाना सीख, पता नहीं कब सीखेगी। कहाँ बज रहा है? तेरी तरह ही है, सुबह हो ही नहीं कि बजना चालू। ये क्यों कॉल कर रही है? किसका है? कंपनी कंपनी कंपनी। कट गया। कभी कभी अचानक चालू हो जाता है, मुझे उठाना नहीं होता फिर भी उठ जाता है, जैसे तुझे लाना नहीं था फिर भी आ गई, अब क्या कर सकते हैं। उठा नहीं रही है कॉल, क्या दिक्कत है? एक तो आते हैं इतना सब कुछ करके जाते, ऊपर से पैसे भी नहीं देते, ये क्या बात है? तुमको बोलना चाहिए था ना कुछ। उससे मैं क्या देख रही है, काम कर अपना, ज्यादा गुस्सा इंसान के लिए। आगो भाई, वंस मोर मोबाइल बजिंग जोर जोर। काम कर। किसका कॉल था सुमा? कंपनी। ऐसे कैसे फिर से नहीं आ सकता कंपनी का कॉल? एक ही बार आता है, मुझे भी आता है एक ही बार, फिर से नहीं आता। वो मेरे 2 सिम कार्ड है ना, तो एक का कंपनी हो जाता है दूसरे का आ जाता है, ऐसा है रोज का है। सासुमा मैं आपको पागल लगती हूँ? लगने का क्या, तू पहले से पागल है। सासुमा देखिए मजाक मत कीजिए, बता दीजिए ना, घर वाले हम एक दूसरे के साथ बात शेयर करनी चाहिए, बोल दीजिए किसका कॉल था। मैं तुम्हें कुछ पूछती हूँ, जब तुम्हारी माँ का फोन आता है कितनी देर बकवास करती हो, कभी मैं कुछ बोलती हूँ? आप सवाल को घुमा रही हो, मैंने ये पूछा है कॉल किसका है, मेरे कॉल आपको पता होते, अभी आपको किसका कॉल आया था ये मुझे पता नहीं, वही पूछ रही हूँ मैं। डाल जल गई, पता नहीं कौन सा जन्म का पाप है। ओह नो। मैं जाती हूँ मैम, मनी लेके आती हूँ।
नो नो, मैं खुद जाती हूँ इस बार। लास्ट टाइम भी मैंने भेजा था एक लड़की को, बहुत कुछ बोला उसने उसको। आज मेरे वैसे भी कुछ काम नहीं है, मैं जाती हूँ, पैसे लेके आती हूँ, अच्छा सा हिसाब चुकता करती हूँ उसका। बहुत हुआ वो उसकी बेटी क्या क्या बोली मुझे, सब निकालती हूँ मैं। रुको जरा। ठीक है, आज के पूरा दिन मेरा ब्यूटी पार्लर, मैं हूँ यहाँ की रानी, मुझे आ गई। हेलो सुमित्रा। हेलो शर्मिला। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है, अपने रोज के काम। आज गंगू भाई आ गए टाइम पे, सब हो गए, बाकी के बच्चे वो मुझे ही करने पड़ेंगे। सुनाए, अब जिस शर्वरी बात करना बंद हो गए। हाँ शर्मिला जी, कुछ भी अफवाह मत उड़ाइए। अफवाह क्या अफवाह? अभिजीत, हमने अपनी आंखों से देखा है कैसे शर्वरी ने तेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। वैसे अभिजीत, क्या बातें हुई कमरे में? नहीं, यहाँ से आवाज नहीं आ रही थी, बहुत कम कम आ रही थी। हाँ अभिजीत बोलना, क्या बात हुई थी अंदर? इतना क्यों गुस्सा आ गया उसको? कुछ तो हुआ होगा, तूने जरूर कुछ किया होगा। क्या बताऊँ मैं आपको, कुछ हुआ ही नहीं अंदर, मैंने तो उसको कुछ नहीं बोला। जैसे ही बाहर आया मैडम गुस्सा हो गए, पता नहीं क्यों। हाँ? मेरा ही दिमाग कब खराब हो रहा है, उसको गुस्सा आया तो किस बात का आया? तो क्या आज फिर से जीने के साथ बाहर घूमने जा रहे हो? नहीं नहीं, आज काम पे जा रहा हूँ मैं, मार खाना है क्या मुझे बॉस से? जाओ जाओ। बेचारा मुरझा गया है। पर मुरझा तो जाएगा ही ना, आग में घी जो डाल दिया। एक्सक्यूज मी, इफ यू हैड अ रेलेवेंट आई कैन बी द फिजिक मिन एंड रिमोन। यस बोली लैला परवेज जी, यहीं पे रहती है लैला परवित। यू वांट मी? अबे बे बे बे, यू वांट मी? ओह नो नो नो, ललिता परवित रहती है। आ शायद उनका दूसरा भी नाम है। रहती है रहती है। ए वो मदुरई है ना ब्यूटी पार्लर वाली? हाँ वही है, स्टाइल बदलती है अब, डिमांड बढ़ गई है मदुरा के। यहाँ पे क्या कर रही है? बस किसी का मेकअप करने आए होंगे। शर्वरी का मेकअप करने आए होंगे, उसी को आदत है मेकअप थोपने की। मैंने तो आज तक नहीं किया मेकअप। मधुरा आ गई क्या? हाय मधुरा जी। हेलो, क्या सोसाइटी में किसी का मेकअप करने आए हो? कोई काम था? जी आपके सास के पास ही काम है मेरा। अरे क्या, पैसों के लिए घर तक आ गई, जाना पड़ेगा, मेरी फोन खोल देगी सबके सामने। अच्छा ससुआ के पास क्या काम था आपका? बोलिए बोलिए। अंदर आके बताऊं या इधर से बोल दूं? वहीं से बोल दीजिए, मैं बता दूंगी उनको। ब्रेनलेस औरत, मुझे भी क्या बोलती है बहू, वो वहां पे कैसे बताएगी? इतनी आई है दूर से हमारे घर, अंदर तो बुला। हे मधुरा। हे क्या बात है, बहुत बिजी रहती हो आप। कितने कॉल किए मैंने आपको, एक भी पिक नहीं किया, आना पड़ा मुझे यहाँ पे। या मैं थोड़ी सी बिजी होती हूँ आजकल। काई की बिजी, अभी तो बेड पे कॉफी ले रही थी। सच्चाई की मूरत, बीच में बोलने की क्या है जरूरत? श्री आके दादी ने तो मेरी लाइन्स कॉपी की। शांत बैठ, तुझसे कोई बात नहीं करना। मधुरा कम अप, बात करते हैं। यस सिग्नेचर राइट, सबको बताना पड़ता है सिग्नेचर करो सिग्नेचर करो, कोई नहीं करता, आप बहुत होशियार हो। दूसरों के घर में घुसने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है तुझे। जा अपने काम कर। बैठ बैठ। बैठने के लिए, खाने के लिए, फलाना ढिमकाना ये सब के लिए नहीं आई हूँ मैं। मुझे मेरे पैसे दीजिए और वापस जाने दीजिए, बहुत सारे काम है मुझे। भाई भाई भाई, पैसे? किस बात के पैसे? जी हाँ, आपकी सास आई थी मेरी ब्यूटी पार्लर एक हफ्ते पहले, ब्लीच करके गई, उनके साथ उनकी बेटी भी थी, इन्होंने वैक्सिंग भी की, वो भी गोल्ड का किया, सबसे महंगा चल रहा है गोल्ड का, अभी सीजन भी है शादी का, इन्होंने सब कुछ किया, पैसे नहीं दिए। मधुरा तूने मेरी बेटी का आईब्रो उड़ाया, उसी की वजह से मैंने तुझे पैसे नहीं दिए। कोई गलती नहीं थी मेरी, क्या गलती थी मेरी? और हाँ, आईब्रोज के पैसे नहीं ले रही हूँ मैं, बस वैक्सिंग के एंड ब्लीच के, बहुत महंगे वाले किया आपने, उनके पैसे लेने आई हूँ मैं। ओके 3,800 रुपीस, हिंदी में कितने होते? 3,800। ससमा आपने इतने पैसे ब्यूटी पार्लर में उड़ा दिए, खर्च किए? बहुरानी जरा पूछो इसको, कोई प्रूफ है तेरे पास मेरे खिलाफ? बोल बोल।
प्रूफ चाहिए आपको? मैंने प्रूफ लाया है। A1 ब्यूटी पार्लर है मेरा, सब जगह CCTV कैमरे लगते हैं। आप जैसे लोग आते हैं और मुझे लूट के जाते हैं, आप जैसे उनके लिए लगाया मैंने CCTV कैमरा। आपकी बहू को दिखाती हूँ, ये देखिए। 1 मिनट, पासवर्ड है। हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ए, तुझे मना किया था ना, क्यों घुसी तू घर में? सासु माँ, सुमित्रा का पूरा हक है देखने का। सुन लिया, मेरे जिगरी दोस्त है यहाँ, दिखाओ। अरे छोड़। देखिए आपकी सास का पराक्रम। हाँ देख लिया मैंने। सासु माँ, गलती आपकी है। बराबर आपकी गलतियाँ। देखिए ना, आप सुनैना के साथ लड़ती, ना इनके ऊपर गिरती, ना शीला की आइब्रो उड़ती। अरे चुप, तू तो बस मौके ढूंढती है मेरे खिलाफ बोलने के। What's going on here? बहुत अच्छा हुआ शीला बेटा तू आ गई। इधर आ इधर आ इधर। ओके मामी। बहुत अच्छा हो गया तू आ गई। ये देखना, ये सब मिलके मेरे खिलाफ बात कर रहे, मुझे अकेली को डाल के बहुत डांट रहे। आपकी हिम्मत कैसे मम्मी के साथ ऐसा करने की? ओ शिट मम्मी, ये यहाँ पे क्या कर रही है? पैसे मांगने आई है। मिस मधुरा, किस मुंह से आप पैसे मांगने आई हो? एक्सक्यूज मी, मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है मिस व्हाटएवर, बट आपने और आपकी माँ ने दोनों ने ब्लीच किया था। आपकी माँ ने महंगा वाला गोल्ड का वैक्स किया था, उसके पैसे लेने आई हूँ मैं। एक तो मेरा आईब्रो उड़ा दिया। तुम्हारा आईब्रो तो आ गया है। आईब्रो नहीं आया मेरा, आईब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ। मम्मी देखो मेरे ऊपर हंस रही है। मैं शराब। ओए तमीज से बात कर। जस्ट शट अप, अपनी बेटी को तमीज सिखाओ। एंड बाय द वे, मैं आईब्रोस के पैसे भी नहीं ले रही। ओके मैं लेने आई हूँ वैक्सिंग कैन ब्लीच के पैसे। क्या शोर शराब लगा के रखा है? क्या हुआ सुन भाई? ससुर जी ये ब्यूटी पार्लर से आई है। नमस्ते, क्या काम है आपका? जी मैं आपकी वाइफ से पैसे लेने आई हूँ। पैसे? ललिता किस पैसों की बात कर रही है ये? किस बात के पैसे? मैं नहीं जानती तुझे, कौन तू? ये तो बोलने से रही, मैं ही बताती हूँ आपको। ये दोनों आई थी माँ बेटी मेरे यहाँ पे, और इन्होंने गोल्ड का वैक्स किया, ब्लीच किया, इनकी बेटी ने ब्लीच किया, तो ये सबका टोटल हुआ है 3,800 रुपीज। इन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया और वहाँ से भागी हुई यहाँ पे आए। इसी ने उड़ा आपकी बेटी का आईब्रो, यही है गुनेगार। देखिए इसने आपकी बेटी का आईब्रो उड़ाया, इसलिए मैंने इसको पैसे नहीं दिए। टिट फॉर टैट। मैं फिर से बोल रही हूँ और बार बार बोलूंगी, मेरी कोई गलती नहीं थी। Got it? नहीं थी मेरी गलती। Sorry. Control मधुरा, control. देखिए, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, आपको मेरे ऊपर विश्वास होना चाहिए। मेरी कोई गलती नहीं थी, झूठ बोल रही है ये। इसने मेरे आईब्रो उड़ाए बाबू, इसने मेरे आईब्रो उड़ाए। तुम दोनों अपने ड्रामे बंद करोगे तभी मैं कुछ बोल पाऊंगा। ड्रामा। देखिए वो बोल रही है उसकी कोई गलती नहीं, आप बोल रहे हो आपकी कोई गलती नहीं, अभी सच कैसे पता लगा है? मेरे पास है ना प्रूफ, मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे A1 ब्यूटी पार्लर में 24 आवर्स CCTV फुटेज चालू रहती है। अब मेरा फोन दीजिए। अरे छोड़। ललिता पैसे दो इनके। अरे क्या? अरे चुप, पैसे दो। ये बाऊ पैसे दे। मेरे पास कई के पैसे? डिब्बों में, अलमारी के नीचे, अलमारी के ऊपर, घर के कोनों कोनों में जो तूने पैसे छुपा के रखे हैं ना, उसकी बात कर रही हूँ मैं। वो सब आप किस पुत्र लेके गए है? हाँ तुम जाती हो कि नहीं? जाती हूँ। इतना गुस्सा क्या कर रहे हो? जाओ जल्दी, पहले ही पैसे दे देती, क्यों आती वो घर तक? वैसे नहीं बोल रहा मैं, पर अच्छा नहीं लगता ना, वैसे व्यवहार की जगह व्यवहार होना चाहिए। चल जल्दी। मेरी जेब कट गई, जिंदगी में रखा ही क्या है? इतनी उम्र हो गई है, क्या जरूरत है ये सब करने की? नहीं करना ही है, करती तो करती है हमेशा फंसती है। सुमित्रा जी, मम्मी को क्या बोला आपने? कुछ नहीं कुछ नहीं।
क्या चाल है आपकी? थैंक यू, पकड़। थैंक यू सो मच फॉर मनी। बाय द वे आपका नाम? शर्मिला। आपको तो मैं जानती हूँ, आप आती रहती हो। देखिए हमारे ब्यूटी पार्लर में एक बहुत मधुरा जी, क्या लोगी जाने का? 200 रुपए और दो, 4000 करके देती हूँ। ब्याज बढ़ गया होगा ना मेरा तेरे ऊपर।